हाय गाइस, हिंदी टू इंग्लिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। आज हम सीखेंगे हु, हूज़ और हुम के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को हु और हुम के बारे में कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को वी विल क्लियर आउट विद हिंदी टू इंग्लिश। अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हु, हूज़ और हुम बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, स्पेशली जब हु और हुम की बारी आती है। तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल के तौर पे। अगर हम जो का प्रयोग करेंगे तो उसमें हु आएगा। उदाहरण के तौर पे, यही वो लड़का है जो लेट आता है, ही इज़ द वन हु कम्स लेट। हम जो यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हु यूज़ करेंगे। अगर हमें हुज़ यूज़ करना है तो हमको यूज़ करना होगा जिसका। यही वो लड़का है जिसका भाई लेट आता है, ही इज़ द वन हुज ब्रदर कम्स लेट। लेकिन अगर हमने जिसको लगा दिया तो ये हुम में बदल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। यही वो लड़का है जिसको मैंने पैसे दिए, ही इज़ द वन हुम आई हैव गिवन द मनी। अगर यहाँ पे हम जिसको लगा दें तो वो हुम बन जाएगा। मैं ही हूँ जिसको तुमने पैसे दिए, आई एम द वन हुम यू हैव गिवन द मनी। इसमें हु नहीं लगाएंगे, इसमें हुम लगाएंगे। इसी तरीके से आप तीनों कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं और कई तरीके के क्वेश्चन और सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हु का मतलब होता है जो या को। हुम का अर्थ होता है जिस को, और हुज़ का अर्थ होता है जिसका। तीनों कैटेगरी अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन और सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हिंदी तो इंग्लिश ऐसे ही आसानी से समझ आ रही होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए